इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने कंधों के इस बोझ को कैसे उतारें, अपने कंधों के दर्द को कैसे खत्म करें, कैसे इससे छुटकारा पाएं। इस बड़ी सी दुनिया में हमारे नाजुक से छोटे छोटे कंधे काफ़ी ज़्यादा बोझ लेके घूम रहे हैं, चाहे छोटे बच्चों की बात हो या बुजुर्गों की बात हो या फिर हम जैसे जवानों की बात हो। सब हर कोई आजकल अपने कंधों पर दुनिया का भारी भरकम बोझ लेके घूम रहा है। अब इस बोझ को कैसे उतारें और अपने कंधों को किस तरीके से मजबूत बनाएं कि इस बोझ को अगर उठाना भी है तो हम आराम से उठा सके, इस बोझ के साथ इस जिंदगी को जी सके, तो कंधों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, कुछ आसन बताऊंगी। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंधों के इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शोल्डर रोल एक्सरसाइज के साथ। इसके लिए हमें अपने शोल्डर्स को कुछ इस तरीके से घुमाना है क्लॉकवाइज, और उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अब मेरे साथ आप 10 काउंट्स के साथ करिए इसको, 1, 2, 3 आराम आराम से करिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप शुरुआत में कोशिश कीजिए 10-10 के सेट करें। अब इसी को सेम इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने देखा हमारे जो हैंड्स हैं वो थाइस पर प्लेस होंगे, हैंड्स को स्टिल रखेगा, और उसके बाद आपको अपने शोल्डर्स को रोल करना है। पूरा का पूरा असर आपके शोल्डर्स पर इससे पड़ेगा, तो ये जो कंधों का बोझ है ये उससे उतरेगा। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, अपने हाथ को आप स्ट्रेट रखिए, उसके बाद कंधे पर अपने हाथ रखिए, उंगलियां रखिए। अब आपको इसको भी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से घुमाना है, और उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इसके भी 10-10 सेट्स करने। इससे दरअसल असर यहाँ पर पड़ेगा, आपके एल्बोज पर भी पड़ेगा, तो एक तीर से दो निशाने होने वाले हैं, आपके दोनों जगह पर असर पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको फील होगा। चलिए 10 काउंट्स तक यहाँ के पहले क्लॉकवाइज हम इसको करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सेम इसी तरीके से हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप कोशिश कीजिए आप 20-30 सेट तक करें, तो इसका असर पूरा आपके शोल्डर्स पे पड़ेगा। अब हम तीसरी एक्सरसाइज करते हैं, अपने हैंड्स को आप इस तरीके से प्लेस कीजिए, राइट हैंड को लेफ्ट रिस्ट पकड़िए और लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट पकड़िए, उसके बाद यहाँ पर आपको हैंड प्लेस करना है और कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेच बहुत आराम आराम से आपको स्ट्रेच करने अपने हैंड्स को। इसको भी 10 काउंट्स तक करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इससे आपने महसूस किया होगा कि पूरा का पूरा खिंचाव आपके शोल्डर से पड़ रहा है। अगर खिंचाव नहीं पड़ रहा है यानी आप बहुत आराम से कर रहे हैं, इतने भी आराम से नहीं करना, आपको बिल्कुल स्ट्रेच करना है अपने हैंड्स को, तो सारा का सारा असर यहाँ पर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। जब हम देखते हैं ना कि जब हमें पैर में दर्द होता है, अंगूठे में दर्द होता है, तो हम उसे और ज़्यादा दबाते हैं, यानी दर्द पर जब हम दर्द करते हैं एक बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है, वही आपको यहाँ पर रिलीफ फील होगा, इन शोल्डर्स पे रिलीफ फील होगा। अब इसके बाद हम कुछ योगा आसन करेंगे और उन योगा आसन के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे आपको अपने शोल्डर्स पर रिलीफ फील होगा। तो शुरुआत हम गरुण आसन के साथ करेंगे, और गरुण आसन बिल्कुल खड़े होकर करना है। इस गरुण आसन करने से सिर्फ हमारे शोल्डर्स पर ही नहीं पूरी बॉडी पर असर पड़ने वाला है, सिमेट्रिकली हमारी पूरी बॉडी पर असर पड़ेगा। तो गरुण आसन किस तरीके से करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो आपको राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के पास पीछे कुछ इस तरीके से लेके जाना है, लाइक दैट, अपने हैंड्स को ऐसे प्लेस करना है। एक बार आप इस एंगल से भी देखिए, ऐसे लॉक करना है अपने राइट लेग को, लेफ्ट लेग को राइट लेग से आपको लॉक करना है।
ठीक है, ऐसे अपने पैरों को लॉक करना है, उसके बाद हैंड्स को ऐसे स्ट्रेट। अब जितनी देर तक आप रुक सकते हैं ऐसे स्टिल रहिए और काउंटिंग करती रहिए, आराम आराम से सांसें लीजिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग से लॉक करना है। तो काउंटिंग्स आप धीरे धीरे करते रहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स हो जाइए। तो आपने देखा गरुड़ आसन करने से सिर्फ आपके शोल्डर्स पर नहीं, आपके जिस तरीके से पूरे हाथ स्ट्रेच हैं आपके एल्बोज पर भी असर पड़ेगा और लेग्स पर तो असर पड़ने ही वाला है जैसे आपने लेग्स को लॉक किया है। आपका थोड़ी स्टेबिलिटी इस बीच नहीं बनेगी, बैलेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जिस डेली बेसिस पर अगर आप गरुड़ आसन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जब आप 5 सेकंड तक होल्ड कर पाते हैं आपके सेकंड्स बढ़ेंगे, 10 सेकंड तक आप होल्ड कर पाएंगे, उसके बाद 15 सेकंड तक होल्ड कर पाएंगे। तो हमने कुछ एक्सरसाइज की खड़े होकर, फिर हमने गरुड़ आसन किया, अब हम योगा आसन करेंगे बैठ कर। तो चलिए बैठ जाइए। सबसे पहले हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन से आपके शरीर पर बहुत असर पड़ता है, जो उष्ट्रासन का पोज है आपके शोल्डर्स पर खिंचाव आएगा, साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वो अगर आपकी स्पाइन वीक है, अगर आप जब झुकते हैं तो झुकने के बाद आपके कमर में दर्द होने लगता है, वाइटमिन डी की कमी है, तो आप अगर उष्ट्रासन करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन अगर ज़्यादा आपको कमज़ोरी है, ज़्यादा आपकी कमर में दर्द है, तो कोशिश कीजिए कि उस आसन को आप ना करें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप हट जाइए, आप उस आसन को मत करिए। तो चलिए उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल मैट पर खड़े हो जाइए कुछ इस तरीके से, और आपके जो पैर हैं वो इस पोजीशन में होने चाहिए। कुछ लोग उष्ट्रासन को ऐसे भी करते हैं, ऐसे हमें नहीं करना, इससे हमारी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा उंगलियां हमारी कमज़ोर हो सकती हैं, उन पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। तो अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स ऐसे आपको रखना है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको ये समझा दूं कि हर चीज़ आपको राइट साइड से करनी है, जब भी आप कोई भी योगा आसन करें तो हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप हाथ ऐसे रखिए रिलैक्स, अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाना है धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। झटके से जाएंगे तो आपकी कमर पर असर पड़ सकता है, आपके हाथों पर असर पड़ सकता है, आप गिर भी सकते हैं। तो झटके से बिल्कुल नहीं जाना, आराम आराम से आपको जाना है। तो राइट हैंड को धीरे धीरे पीछे लेके जाइए ऐसे, आपको हाथ को ऐसे रखना है, उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाइए। शुरुआत में अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे पकड़िए, अपने एंकल को आपको ऐसे पकड़ना है, अपने कमर को कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल इस पोजीशन में आना है। एडवांस आपको थोड़ा करना है तो आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ पर भी आप हाथ रख सकते हैं। अब कुछ काउंट करिए, आप देखिए कि आप कितनी देर तक रुक सकते हैं, मेरे साथ काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब धीरे धीरे ऊपर आइए राइट हैंड के साथ, फिर लेफ्ट हैंड को लेकर आइए। अब रिलैक्स। तो जब आप काउंट कर रहे थे, काउंटिंग आप मन में कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी सांसों को महसूस करने की, सांसों पर आप उस पर असर डालें, मतलब धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा दर्द हो रहा है बैक में कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उस आसन को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी अगर स्पाइन में कमज़ोर है, आपके बैक में ज़्यादा पेन होता है तो उस आसन को आप मत कीजिए। तो इससे आपने महसूस किया, क्योंकि कंधों के दर्द की हम बात कर रहे हैं तो इससे आपके कंधों पर असर पड़ा होगा। जैसे हम स्ट्रेट जब थे तब आपके पूरे कंधों पर असर था, और पैरों के अगर एंकल पर पड़ रहा है यानी आप गलत तरीके से कर रहे हैं, आपके कंधों पर असर पड़ना चाहिए, सारा दबाव यहाँ पर होना चाहिए, तो आप उष्ट्रासन सही तरीके से कर रहे हैं। अब हम दूसरा आसन करते हैं कंधों को मजबूत बनाने के लिए। तो अब बारी है पश्चिम नमस्कार आसन की। हम सबको नमस्कार इस तरीके से करते हैं, लेकिन योग में एक अलग तरीके से नमस्कार भी किया जाता है जिससे आपके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आप वज्रासन में बैठकर भी ये आसन कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी। मैं पद्मासन में आपको ये आसन करके दिखाऊंगी। पद्मासन में आप ऐसे बैठ जाइए,
उसके बाद हाथ आपके ऐसे ही होने, लेकिन इस तरीके से नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको हैंड्स को ऐसे प्रेयर पोजीशन में लेके आना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर ऊपर लेके आना है, जितना आप ऊपर इसको ला सकते हैं आप लाइए, और बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, कंधों को सीधा रखना है बिल्कुल, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है, कमर झुकानी नहीं है आपको, कमर आपको सीधी रखनी है, और जितनी देर तक आप होल्ड हो सकते हैं आप उतनी देर तक होल्ड होइए। आप इसमें महसूस कर रहे होंगे कि आपके शोल्डर पर भी खिंचाव है और आपकी कमर पर भी असर पड़ रहा है, यानी एक तीर से दो निशाने इस आसन में भी है। अब चलिए मेरे साथ काउंट करिए कि आप कितनी देर तक रुक सकते हैं। मैं 20 काउंट तक ये आसन आपके साथ करूंगी, अगर आप बिगनर हैं तो 20 काउंट तक आप आराम से कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके जाइए, और जिस जिस तरीके से आप ऊपर लेके आए थे बिल्कुल वैसे ही आपको हैंड्स को रिलीज करना है। तो आपने महसूस किया होगा कि आपके शोल्डर्स पर इस पर असर पड़ा। पद्मासन में आप बैठकर करिए, वज्रासन में बैठकर करिए, सुखासन में, आप किसी भी आसन में जो आपको जिससे रिलैक्स फील हो रहा हो आप उस तरीके से आप इसको करिए। अब बारी है पूर्वोत्तानासन की। पूर्वोत्तानासन भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जिस तरीके से शोल्डर स्ट्रेच आपने किया, उष्ट्रासन किया। पूर्वोत्तानासन करने के लिए हमें जो पोजीशन लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़्यादा देर तक इस आसन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, शायद आप इस आसन को कर भी ना पाएँ, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को स्टिल रख कर होल्ड करना है। तो घबराइएगा मत, कोशिश ज़रूर करिएगा धीरे धीरे, क्या पता आप 2 सेकंड होल्ड कर पाएँ, 3 सेकंड होल्ड कर पाएँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो धीरे धीरे आपके सेकंड्स भी उसके लिए बढ़ेंगे। तो चलिए पूर्वोत्तानासन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को सीधा रखना है और अपने हैंड्स को ऐसे प्लेस करना है, दोनों हैंड्स को राइट लेफ्ट दोनों को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। कुछ लोग अपने हाथों को बाहर की तरफ भी रखते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता, सही तरीका ये है। तो इनसाइड रखना है अपने हाथों को, दोनों को इनसाइड रखना है, ऐसा नहीं एक को आपने बाहर रखा हो और एक को अंदर रखा हो, ऐसे नहीं करना, आपको दोनों हाथों को इनसाइड रखना है। चलिए अब धीरे धीरे शुरुआत करते हैं आसन की। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लाइए और अपने घुटनों को स्ट्रेट रखिए, और कोशिश करिए आप पैरों के तलवों को नीचे तक टच करने की। काउंटिंग के बाद अब धीरे धीरे नीचे। तो आपने क्या महसूस किया? आपके पैरों पर भी खिंचाव पड़ा, आपके शोल्डर्स पर भी, पूरी बॉडी पर आपको असर पड़ता हुआ दिखाई दिया होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पैर की नस भी चढ़ सकती है, तो बहुत आराम से इसको कीजिए, ज़्यादा खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। अगर बॉडी मना कर रही है कि नहीं नहीं करना नहीं है, तो रुक जाइए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी इस आसन के साथ। और भी आसन है, आप वो भी कर सकते हैं अपने कंधों को रिलैक्स फील कराने के लिए। तो इसमें आपने ये फील किया कि आपके शोल्डर्स पर असर पड़ा, तो पूर्वोत्तानासन से आप अपने शोल्डर के साथ साथ अपने पैरों को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घुटने बेंड रहते हैं, हम कोई भी आसन करते हैं तो घुटने स्ट्रेट नहीं रहते, हमारी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती है, तो इसको आप कर सकते हैं, आपके घुटने भी उससे सीधे होंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी का स्ट्रेच बढ़ेगा। अब शुरू करते हैं धनुरासन के साथ। तो धनुरासन आपके कंधे के साथ साथ आपकी छाती और आपकी कमर को भी खोलता है, तो काफ़ी अच्छा आसन है वो, और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप घर पहुंचते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अगर आपके हैं आप वो घर जा रहे हैं, वो भी इस आसन को कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो आसन कब एडवांस बनता जाएगा, एडवांसली बच्चे करेंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी कब उसको एडवांस लेवल पर जाके करेंगे आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बिगनर के हिसाब से उस आसन को करके दिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना ज़्यादा बात करे शुरू करते हैं धनुरासन की। धनुरासन के लिए आप बिल्कुल मैट पर लेट जाइए। लेटने के बाद
आपको अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ना है, लेफ्ट से लेफ्ट लेग को, राइट से राइट लेग को। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आना है। आप सांसें लीजिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिएगा, बिल्कुल सांस नहीं रोकनी है और धीरे धीरे सांस लीजिएगा। और बोलना भी नहीं है, मैं भी नहीं बोलूँगी, तो मन में हम काउंटिंग करेंगे 20 तक, कोशिश करिएगा 20 तक आप रुक पाए, जितनी देर तक आप स्टिल रह पाए। धीरे धीरे ऊपर आएगा, ज़्यादा भी ऊपर कोशिश मत करना। अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा ये मत सोचना कि हम एकदम से बहुत ऊपर कर लेंगे इस आसन को, ऐसे नहीं करना, बहुत आराम से आपको धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे आपको नीचे आना। तो आपने महसूस किया होगा कि इस आसन में आपके जो थाइज है उस पर भी असर पड़ रहा है, छाती भी खुल रही है हमारी, हमारी कमर भी खुल रही है और कंधे भी खुल रहे हैं। कंधों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने एंकल्स को पकड़ा है, एंकल को पकड़ने के बाद आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा असर कंधों पर पड़ने वाला है। और जो बोझ आप अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं ना, वो बिल्कुल इससे रिलीफ फील होगा आपको, आपको लगेगा कि यार कंधों का तो हमारा सारा बोझ उतर गया। तो ये आसन आप ज़रूर करिए। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा आपकी भुजाओं को इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, सारा असर आपकी भुजाओं पर इस पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब भुजंगासन से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। भुजंगासन के लिए आप मैट पर लेट जाइए, पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, थोड़ा सा गैप आप अपने पैरों के बीच में रखिएगा। उसके बाद अपने हाथों को यहाँ पर रखना है, अपनी चेस्ट के बिल्कुल साइड में, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी आपको राइट चेस्ट के बिल्कुल साइड में रखना है। आपको धीरे धीरे ऊपर आना है और अपने हैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा और शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। आपको ऐसे नहीं खड़े होना, ऐसे नहीं होना, एल्बोज नहीं मुड़नी चाहिए, बिल्कुल सीधा। 5 काउंटिंग के बाद धीरे धीरे नीचे आइए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सेम करना है। अब मेरे साथ आप कम से कम 20 पेयर इसके कीजिए, ठीक है। वन, टू, धीरे धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 3, 4, आपको महसूस हो रहा होगा जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी जो स्पाइन है, जो आपकी कमर है, उस पर भी असर पड़ रहा होगा। और कमर पर असर पड़ना जरूरी है, तो आप जब आप सीधे होंगे तभी कमर पर असर पड़ेगा। 5, 6, जब आप नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़िए, ऊपर आ रहे हैं तो सांस लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। थोड़ा आपको एडवांस करना है तो आप ऊपर भी देख सकते हैं और कोशिश करिए अपनी बिल्कुल पीछे जाने की, हल्का हल्का। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बिल्कुल आंखें बंद कर भी आप कर सकते हैं, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप आंखें बंद कर करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होगा और आपका सिर्फ इस आसन पर ही ध्यान होगा। तो आपको ऐसे ही इसी तरीके से कम 20 से 30 काउंट करने हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो कम से कम 20 बार आप इस आसन को जरूर करिए।
अब धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आकर रिलैक्स हो जाएगी। धीरे धीरे ऊपर आए। तो भुजंगासन हमने किया, आपने क्या महसूस किया भुजंगासन से? आपकी कमर पर भी असर पड़ा, आपके हाथों पर भी, रिस्ट पर भी, और साथ ही साथ शोल्डर्स पर तो पड़ा ही है, तो कंधों का बोझ भुजंगासन से तो जरूर कम होने वाला है। तो डेली आप कम से कम 30 इसके सेट करिए। 30 सेट आपको ऐसे करना है, आप ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं तब आपका एक सेट बनेगा। ये नहीं कि आप ऊपर आ रहे हैं 1 नीचे जा रहे हैं 2, ऐसे नहीं काउंट करना। पूरे पेयर के साथ आपको 30 बार करिए। 30 बार करने के बाद आपको खुद फील होगा, पहले दिन दूसरे दिन काफ़ी दर्द भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा वो दर्द नहीं होगा, वो आपको दर्द रिलीफ देगा। वो जो मीठा मीठा दर्द होता है ना, वो होने वाला है आपको भुजंगासन करने के साथ। अब हम आखिरी आसन करेंगे, शवासन। शवासन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये बहुत लोगों का फेवरेट आसन होता है, सबको मन करता है कि हाँ हम योगा करते हैं, हम शवासन कर लेते हैं। शवासन बहुत आसान है, उससे आपको आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स फील होने वाला है, और अपने माइंड को कोशिश करिएगा ब्लैंकेट, दुनियादारी के बारे में नहीं सोचना, आँखें बंद कर कर अपने बारे में सोचना है, और नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, पॉजिटिव। और जो बर्ड्स की आप चहचाहट सुन रहे हैं, आसपास की जो भी आवाज़ है उनको आपको महसूस करना है, इससे आपका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो चलिए शवासन करते हैं। शवासन के लिए आप सीधे लेट जाइए, जैसे आप बिस्तर पर लेटते हैं बिल्कुल वैसे ही। अपने पैरों को बिल्कुल खोल लीजिए, और इसी तरीके से आपको हाथों को भी ऐसे प्लेस करना है। आँखें बंद करिए, और आँखें बंद करने के बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, और थोड़ी देर तक कम से कम 1 से 2 मिनट आप ऐसे ही रहिए। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी बॉडी को, कहीं से भी झुकाना नहीं है, शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ लोग ऐसे लेटते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं लेटना, आपको झुकना नहीं है, पूरी बॉडी आपकी मैट से टच होनी चाहिए, जैसे मेरी हो रही है, पूरे एक अलाइनमेंट में, पैर से लेकर पूरे हिप्स भी, और उसके साथ फिर शोल्डर्स भी, शोल्डर्स ऐसे टच होने चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं दिखना चाहिए। अब थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स फील करिए। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाइए और उठिए, आंखें खोलिए। आपको महसूस होगा शवासन जितना रिलैक्सिंग आसन है, इतना शायद कोई भी आसन नहीं है। शवासन काफ़ी इजी भी है, हर कोई कर सकता है। आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, उसी तरीके से आपको मैट पर लेटना है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जब आप शवासन करें, शवासन करने के साथ आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एक भी चीज़ नहीं सोचनी। अगर ज़िंदगी में तनाव बढ़ रहा है, तनाव चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको उसके बारे में भी इस आसन में नहीं सोचना, और वही आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपको मजबूत बनाएगा। तो शवासन आपके कंधों के साथ साथ आपको भी मजबूत बना रहा है, और आपको फिजिकली नहीं, आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये आसन फिट करने वाला है। तो आज हमने बहुत सारे आसन किए, बहुत सारी एक्सरसाइज भी की, हमने शोल्डर रोल किया, उसके बाद हमने उष्ट्रासन भी किया, हमने गरुणासन भी किया, शवासन भी किया, और ये सारे आसन करने के साथ आपके कंधे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये आसन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, हर कोई आसन कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपकी बॉडी में कहीं भी खिंचाव आता है, चाहे कमर में हो, हाथों में हो, तो आप उस आसन को तुरंत छोड़ दीजिए, झटके से बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से आपको वो नहीं करना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।